Fuck. अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता कर चुका हूँ और ये जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उन्हें भी पानी पिलाकर छाँव में बांध दिया है क्योंकि हमने जाना है गंदम बांधने के लिए। गंदम की कटाई तो हमारी तकरीबन फाइनल हो चुकी है। 3-4 क्यारे जो रहते हैं बांधने वाले, भरियाँ बनाने वाला सिस्टम रहता है। जिस तरह ये भरियाँ बनी हुई हैं तो इसी तरह 3 या 4 क्यारे रहते हैं मेरे ख़्याल में भरियां बनाने वाले। तो अभी जाना है सबसे पहले वहाँ, और भाई जा रहा है अभी स्कूल, तो ये बैग पे हम नहीं जाने वाले, हम जाने वाले हैं रेडी पे, क्योंकि वापसी पे हमें घास लेके आना है खेतों से। तो हम जो है ना रेडी पे जाएंगे। और इधर से मामा शफीक साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ, थ्रेशर कब लगानी है हमारी? अब आज शाम को। रात हमारे पास ही थ्रेशर लगी थी असद भाई की। असद भाई के पास चलते हैं, वहीं सो रहा है अभी तक, तो उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि उसकी कितनी गंदम निकली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? कितनी निकली है गंदम? 32 गट्टा 32। ये क्या सिलसिला है? इधर भी लगाई है फिर इधर लगाई है। हवा चेंज हो गई थी। क्या हुआ? हवा चेंज हो गई थी। अच्छा, हवा चेंज हो गई थी तो थ्रेशर लेके नहीं गए, अभी तक यहीं खड़ी है। टायर पंचर हो गया। तकरीबन 32 गट्टू निकले हैं ये वाले, और थ्रेशर अभी तक यहीं खड़ी है क्योंकि थ्रेशर का इस साइड वाला जो टायर है वो पंचर हो गया था। पहले लगाई थी वहाँ, कुछ आपको गट्टू वहाँ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हवा चेंज हुई तो थ्रेशर पे ये भूसा जो है ना उड़ उड़ के थ्रेशर के ऊपर आने लग गया, तो इन्होंने मतलब वहाँ से यहाँ पर लगा दी। तो आधी यहाँ पर निकली है और कुछ 3-4 गट्टू मेरे ख्याल में 4-5 गट्टू उस साइड पे जो है ना निकले हैं। हमारी गधा गाड़ी हो चुकी है तैयार, अभी से पानी पिला रहे हैं क्योंकि वापसी पे हमने जो है ना इस पर घास लेके आना है, इसलिए बाइक पे या रिक्शे पे नहीं जा रहे, तो गधा गाड़ी पे जा रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वापसी आकर नहा कर फिर चेंज कर लूँगा फ्रेश होके। तो कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वही कल वाले पहन लेता हूँ जो कल पहन के गया था गंदम काटने के लिए, तो वही वाले पहन लेता हूँ। किसान इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हम भी किसानों की लिस्ट में शामिल हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे किसान हैं। तो चलते हैं। आज जो व्लॉग है वो मैं अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मोबाइल लगा हुआ है चार्जर पे, तो रिजल्ट की थोड़ी बहुत कमी हो तो माइंड मत कीजिएगा। सो ये छोटे भाई का मोबाइल है तो उसी पे मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी चलते हैं गंदम बांधने के लिए। कपड़े चेंज करके मेरी ये हालत बन चुकी है और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी गंदम में। पीछे आपको रेडी नज़र आ गई, इसको मैंने खोल दिया ताकि ये तब तक पेट भर लेगी और मैं थोड़ी बहुत गंदम बांध लूँगा, उसके बाद घास काट के लेके जाना है घर। गंदम रहती है 3-4 क्यारे, घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह घास काट के घर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सारे जो गंदम है वो बंध चुकी है और अब जा रहे हैं घर। यह मेरे हाथ में दरांती है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी क्लियर हो चुकी है। सुबह तक थ्रेशर लगवाएंगे। इस साल जो है ना लोगों ने बैसाखी से पहले अपनी सारी फसलें क्लियर कर ली हैं, कुछ थोड़ी बहुत खड़ी हैं, सुबह बैसाखी है तो ये भी तकरीबन क्लियर हो जाएंगी। अक्सर तकरीबन 75% क्लियर हो चुकी हैं और तकरीबन 20% निकल चुकी हैं, मतलब गंदम भी निकाल के तूड़ी वगैरह बना चुके हैं। तो इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ भी थ्रेशर लगवा के इसे भी क्लियर करवाएंगे और फिर तकरीबन यहाँ पर कुछ बिजाई वगैरह करेंगे,
मौसम ठंडा है, कपास वगैरह बीजेंगे या तिल्ली की फसल काश्त करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस घर आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। रेडी घास है ऊपर, छाँव में खड़ा दिया मैंने। अभी फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, नहा धो के फिर जो है ना आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी मैं अपने मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ और फ्रेश हो के अभी इस वक्त मैं चरा रहा हूँ बकरियाँ। बहुत सारे लड़के इधर भी खड़े हैं और इधर भी बहुत सारी बकरियाँ आई हुई हैं। शाम को मैं फ्री खड़ा था, मैंने कहा एक तो वीडियो बन जाएगी थोड़ी बहुत और एक थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि घर वाले ये भी ना समझे कि कैमरा उठाए बस फ्री फिरता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत इन लड़कों से गपशप भी हो जाएगी। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, सूरज भी आप लोगों को नज़र आ रहा है जा चुका है, और अभी मुझे कुछ दोस्त मिलने आए हुए हैं, इनका नाम ही नहीं से पूछते हैं। सुफियान जाट और साथ में इब्राहिम भाई, और एक कैमरे से छुप के उधर चला गया है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता ऐसे ही ना उसे थोड़ी बहुत शर्म आती है। और सुनाए सुफियान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और शादी आपकी थी? नहीं, हाँ मेरे चाचा की बेटी। चाचू के बेटे की थी? जी। अच्छा, इसके चाचू के बेटे की मतलब शादी थी आज। तो मेरी वीडियो देखते हैं जी? अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी होती हैं। सही है? बिल्कुल जी अच्छी। मुँह में नहीं बताना मतलब, उनमें कोई डिफॉल्ट है तो बता दो मुझे। नहीं नहीं कोई फर्क नहीं। मैं थोड़ा साइड पे चला गया था, लड़के बकरियां लेके इस तरफ आ गए, कुछ वहां पे लकड़ियां पड़ी हुई हैं कपास वाली, तो वहां पर बकरियां उनके पत्ते खा रही हैं, और कुछ यहां पे थोड़ा बहुत खाद और बूटी वगैरह उगी हुई है वो खा रही हैं, और ये आराम से यहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं। एक उधर है और एक लड़का इधर लगा हुआ है बकरे के साथ मस्ती कर रहा है। दो जो लड़के हैं वो पानी की बाल्टियां भर के उन्होंने यहाँ पे एक बट्ठल रखा हुआ है, और बकरियां जो पानी पीना चाहती हैं उन्हें वहाँ पर पानी पी रहे पिला रहे उन्हें वहाँ पर पानी पिला रहे हैं। एक बकरी गई हुई है पीने के लिए छोटी सी, और अभी कुछ और भी उसको देखकर आ रही हैं कि इधर क्या मसला हो रहा है। सूरज अपने घर को जा चुका है, थोड़ा सा वक्त रहता है ये भी ग्रुप हो जाएगा, मगरब की अजान आने वाली है। तो आज यहीं पर अपने व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने हॉस्पिटल हुसैन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह ने के पान पागल तनी वे।